या हेलो फ्रेंड्स, मेरे ख्याल से 6 मिनट हो गए हैं और पहले कनेक्शन कट गया था। मेरे ख्याल से अब आप लोग मेरे साथ जुड़ पाएंगे और या एक बार चेक कर लीजिए, मेरे ख्याल से आप लोगों के पास नोटिफिकेशन आ गई होगी। मैं भी चेक कर लेता हूँ तब तक। यप, सभी जुड़ रहे हैं साथ में। और दोस्तों, अब ये लिंक आप भेज दीजिए अपने दोस्तों के पास। और जी, सोनिया आ चुकी है और पहले कुछ लोग आए थे, मैं नाम नहीं ले पाया उनका। एक बार दोबारा आ जाते हैं तो देख लेते हैं। प्रणव खट्टर, गुड इवनिंग जी। मिस्टर राजन, कायथा, मोहम्मद अनस, कैसे हैं आप? शुक्रिया। सार्थक, और जुड़ चुके हैं काफ़ी सारे लोग। और दोस्तों, एक बार इस लाइव सेशन के लिंक को, हेलो गर्व, हेलो वरदान, विनीत जी नमस्कार, चैतन्य शर्मा, और सभी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। और दोस्तों, अब हम करने वाले हैं थोड़ी देर में शुरू यहाँ पर लाइव सेशन। और आज का हमारा टॉपिक होगा सिमिलर ट्राइंगल, और जनरल टॉक करेंगे हम आपसे, और फिर आपसे बात करेंगे कमिंग सैटरडे। जी, मुझे एक डाउट है दोस्तों, अभी आपके डाउट दिए जाएंगे। कर दिया है लिंक आपने शेयर, अपने दोस्तों के साथ लिंक को शेयर कर लीजिए। और जैसे जैसे बच्चे हमारे साथ जुड़ेंगे और हम आपके साथ फिर बात करेंगे, क्योंकि आज हमारे यहाँ पर था प्री बोर्ड पेपर हमारे इंस्टीट्यूट के अंदर, और बच्चे धीरे धीरे घर पहुँच रहे होंगे। शिवम अग्रवाल, हेलो, एंड आरुषि, कैसे हैं आप? मेरी सभी से एक रिक्वेस्ट है कि अपने स्कूल के व्हाट्सएप ग्रुप पर इस लाइव सेशन के शेयर को लिंक कर लीजिए, लाइव सेशन के लिंक को शेयर कर लीजिए। काफ़ी सारी ऊपर नीचे हो जाता है। हेलो कनिष, हेलो योगेश जी, कैसे हैं आप? जी, पेपर हमेशा लेंदी क्यों होता है दोस्त? इसके बारे में जरूर बात करेंगे। जैसे जैसे पेपरों का समय पास आएगा फिर बात करते जाएंगे। सर, पेपर वॉज एक्सेप्ट 1-4 मार्कर को। अक्षर जैन पेपर को डिस्कस करेंगे। पायोजा, हेलो, सभी से रिक्वेस्ट है अभी के लाइव सेशन के लिंक को अपने स्कूल के बच्चों के साथ प्लीज शेयर कर लो। ओके, भवनी सिंह, कैसे हैं आप? जी, और काशी भी आ चुकी है, गुड इवनिंग। गगन शर्मा, गुड इवनिंग जी। सार्थक, सब कुछ बताएंगे दोस्त। ये वीडियो भी देख लीजिएगा, हाउ टू अटेम्प्ट अ पेपर। इस वीडियो को आप चेक कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कर लीजिए, अपने टीचर्स के साथ इसके साथ शेयर कर लीजिए। और सुमित गुप्ता, कैसे हैं आप? यूनिक पाल जी, गुड इवनिंग। चलिए दोस्तों, अभी 3-4 मिनट के बाद शुरू करने वाले हैं आप लोगों के साथ हम आज का ये लाइव सेशन शेयर करने वाले हैं आप लोगों के साथ। जी, रम्या, कैसी हैं आप? हाउ आर यू जी? वीडियो का लिंक दोस्त, जो वीडियो आप देख रहे होंगे ना, मैं आपको दिखाता हूँ कैसे शेयर करते हैं। बहुत सिंपल है, जैसे मैं बताता हूँ। मेरे पास लिंक आया ये लाइव सेशन का। अब यहाँ लाइव सेशन का जो लिंक आया उस पर भी फोटो आ जाएगी। नाम दे देते हैं अभी। उस पर भी फोटो आ जाएगी। नाम दे देते। हाय आर्यन, देखो मैं वॉइस बंद कर रहा हूँ। और यहाँ से जैसे आप यहाँ पर ये लिंक है ना, देखो ये मैंने लाइक कर दिया। एक तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिए जी ना। इट इज़ नॉट अ रैंडम लाइव शो, इट इज़ अ लाइव शो ऑन अ टोटली सिमिलर ट्राइंगल जी। हाय लक्ष्य जी, हेलो लवण्या, हाउ आर यू? अब यहाँ से आप शेयर कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ से शेयर करा, अब मैंने शेयर करा, जो हमारे यहाँ बैचेज हैं मैंने वहाँ पर शेयर कर दिया है, और मैंने 11th के बैच में भी शेयर कर दिया है, और यहाँ से मैंने इन बैचेस को शेयर कर दिया है। और आगे आप जैसे मैंने ये शेयर कर दिया, देखिए ये सीधा व्हाट्सएप ग्रुप में चल गया। तो आप, थैंक यू वेरी मच शिवम, आप अपने दोस्तों को शेयर कर लीजिए। इट इज़ नॉट अ रैंडम। लास्ट टाइम हमने किया था ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर, किया था हमने लाइव सेशन, उसमें अराउंड हमने 40 क्वेश्चंस किए थे जी। बिल्कुल सही है, अभी मूसली नहीं खा रहा, अभी चाय आने वाली है, चाय जरूर पीऊँगा दोस्त। MD नाम का बच्चा हमेशा बोलता है, क्योंकि इसको पता है कि मुकेश सर मूसली खाते हैं, और ये हमेशा हमारे लाइव सेशन में आता है बच्चा। चलिए दोस्तों, अभी अपने पेपर इजी था आज का, बहुत अच्छी बात है।
चलिए अभी बात करते हैं आज सिमर ट्रायंगल की, क्योंकि यहाँ पर यूट्यूब के दोस्त भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपा मैडम नमस्कार, और आगे बढ़ रहे हैं हम बिल्कुल इसी के साथ। विधि मैडम भी आ चुकी हैं और पार्थ केसवानी हमारे साथ जुड़ चुका है। दोस्तों बुला लीजिए सभी अपने दोस्तों को, और एकदम से हम शुरू करने वाले हैं सिमर ट्रायंगल के क्वेश्चन। पेन और पेपर तैयार कर लीजिए। कितने मिनट में स्टार्ट करें बताइए, लेट्स रॉकेट। कितने मिनट में स्टार्ट करें, हेलो काव्या, कितने मिनट में स्टार्ट करें, 5 मिनट में कि 6 मिनट में? जी हेलो प्रखर सिंह, इरफान आलम हेलो, स्टार्ट नाउ, 2 मिनट में स्टार्ट करें। ओके सान्या बत्रा जी, साइन जीरो, अच्छा 0 मिनट में स्टार्ट करें जी। मोहम्मद अन साहब अभी आप पढ़ रहे हैं हमारे साथ, रिया चड्डा कैसी हैं आप, 1 मिनट में स्टार्ट करें। देखिए अपने पेन और पेपर निकाल दीजिए, पेन और पेपर के अंदर कंजूसी मत करिएगा, और फिर हम स्टार्ट करेंगे बिल्कुल कॉस 90। अच्छा मज़ा आ गया, तो साइन 00, साइन 31 बाई 2, साइन 41 बाई 2, साइन 60 रूट 3 बाई 2, साइन 91, कूल। लिंक शेयर कर दिया हमने अपने दोस्तों को, बहुत बढ़िया। नंदनी जैन कैसी हैं आप, दोस्तों अपनी लोकेशन डाल दीजिए कि आप लोग कहाँ कहाँ से हैं जी। बहुत सही, बस अब शुरू कर रहे हैं दोस्तों, 2 मिनट से पहले पहले शुरू कर देंगे। अपनी लोकेशन डाल दीजिए, दिल्ली से आगे 10:45 1 मिनट में, बिल्कुल सही। दिल्ली से लोग जुड़ चुके हैं, जीके से लिख रहा है, लखनऊ से लिख रहा है, यूपी से, और विंग ए से हमारी टीम बैठी हुई है विंग ए पर, और अमर कॉलोनी आमिन कार, ओके मेट्रो में है, बहुत सही है। देखिए लोग मेट्रो से भी जुड़ गए हैं हमारे साथ, और एवीटी अमर कॉलोनी से खड़े हुए हैं लोग, गुजरात से बात कर रहे हैं, दिल्ली से बात कर रहे हैं, दिल्ली से बात कर रहे हैं, गुजरात से बात कर रहे हैं, मेट्रो में है सर जी। तो इस लाइव सेशन को हम देख रहे हैं, 10:25 जूनियर बच्चा क्लास 11th में है, केरला से है, लुधियाना से है, दुबई से है, CBSE का फॉरम पेपर दे रहा है। दोस्तों चलिए आइए अब शुरू कर रहे हैं हम आपके साथ लाइव सेशन, और सबसे पहले मैं बता दूं आपको, इस वीडियो को जरूर देखिएगा, और इस वीडियो पे देखने के बाद मुझे आप सबके कमेंट्स चाहिए, और जो वीडियो अभी देख रहे हैं उसको आप लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए। काशी कह रही है मैं अपनी गाड़ी में हूँ, अच्छी बात है, वो कह रहा है मैं ऑस्ट्रेलिया में हूँ, एक्सेलेंट कूल। चिराग मैनी नाम का बच्चा है ये, हाँ शुरू करते हैं, यस सर शुरू करते हैं। 2 इंपॉर्टेंट बातें बता रहा हूँ, इस वीडियो को देख लीजिएगा, और हमने जो पिछला टिग्नोमेट्री का सेशन किया था उसको भी देख लीजिएगा, और उसमें आपके मुझे कमेंट्स चाहिए कि आपको क्वेश्चन की क्वालिटी कैसी लगी और आपको सेशन कैसा लगा, और उस वीडियो में आपने कमेंट डाल के अपने क्वेश्चन भी हमसे पूछ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आज के सेशन के बारे में बात कर लेते हैं। ये हमारे पास है 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सिमर ट्रायंगल के, जिनको ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिनके पास नहीं है वो क्या करिए मैं आपको बताता हूँ। आइए शुरू करते हैं आज का सेशन जी। यदि आपके पास ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नहीं है तो आप क्या करिए, आप इस नंबर पर व्हाट्सअप कर दीजिए। यदि आपके पास ये 30 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नहीं है तो आप इस नंबर पर व्हाट्सअप कर दीजिए, आपको ये 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 24 आवर्स के अंदर पहुंच जाएंगे, और प्लस हम आपको देंगे सैंपल पेपर 4, 2 बेसिक के और 2 स्टैंडर्ड के जी। तो ये रहा हमारी तरफ से आज के सेशन का पहला गिफ्ट। यदि आपके पास ये 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है सिमर ट्रायंगल के, अपने दोस्तों को जोड़ चुके हैं आप, उसके लिए आप लोगों को एक गिफ्ट मिल रहा है, वैसे भी मिलता जी। तो ये अपने दोस्तों को आप जोड़ लीजिए दोस्तों। इस कॉस्ट क्या है सैंपल पेपर की, कॉस्ट क्या है सैंपल पेपर की, सैंपल पेपर की कॉस्ट है फ्री, बट हम चाहते हैं बस उसको आप कर लीजिएगा जी। जी समझ गए हैं, एबीटी में प्री बोर्ड का पेपर था, मजा आ गया, कूल। चलिए आपने क्या करना है, सबसे पहले आपको यदि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है ये 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। हेलो तनुष्का जी, और हम बढ़ रहे हैं अब आगे। मोहम्मद यूनिस साहब आपकी जी शुक्रिया आपको करता हूँ जी। मुकेश सर की तरह अच्छी उर्दू नहीं बोल पाता, लेकिन आप समझ गए मैं क्या कहना चाहता हूँ। कुछ नहीं करना दोस्तों, आपको इस नंबर पे व्हाट्सअप करना है। इस नंबर पे आप व्हाट्सअप करेंगे तो आपको ये मिल जाएंगे 30 इंपॉर्टेंट
क्वेश्चन ऑफ दक्षता चौहान, वही कह रहा हूँ एबीटी के सभी बच्चे जुड़ने चाहिए, सबको बुला लीजिए और बाकी लोग भी जुड़ते हैं। हेलो नमिता मैम, यश गुप्ता साहब आपको गुड इवनिंग। चलिए आगे बढ़ते हैं, आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं कि आज का पहला क्वेश्चन क्या है। जी आज के पहले क्वेश्चन को एक बार चेक कर लेते हैं दोस्तों, आज जो हम पहला क्वेश्चन करने वाले हैं उसको मार्क कर लेते हैं। सबसे पहले करेंगे हम ये वाला क्वेश्चन, आइए कॉपी कर लीजिए इस क्वेश्चन को। जी द परपेंडिकुलर ए डी ऑन अ बेस ऑफ ट्राइंगल ए बी सी मीट एट डी सच दैट 2DB इज इक्वल टू 3CD, और हम इस क्वेश्चन को अब करने वाले हैं। जी इसी क्वेश्चन को अभी हम करने वाले हैं, आइए जल्दी से देख लेते हैं कि ये क्वेश्चन कैसे होगा। शाबाश, इस क्वेश्चन को कॉपी कर लीजिए सभी बच्चे, इस क्वेश्चन को आप सभी बच्चे कॉपी कर लीजिए जल्दी से, और हम करने वाले हैं इसी क्वेश्चन को हम कॉपी करके आगे करेंगे इस क्वेश्चन को। आइए मैं आपको क्वेश्चन दिखा देता हूं दोस्तों, क्वेश्चन रहा मेरे पास ये रहा द परपेंडिकुलर। जी क्वेश्चन आपको दिख रहा है, जी सर क्वेश्चन है हमारे पास द परपेंडिकुलर एडी ऑन द बेस ऑफ अ ट्रायंगल एबीसी मीट बीसी एट डी सच दैट 2DB इज 2CD, ये आप नेक्स्ट क्यों लिख रहे हैं? वेरी इजी है एग्जाम्पलर का, शाबाश करने शुरू कर दीजिए, शाबाश जल्दी से करना शुरू कर दीजिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। जी ट्राइंगल एबीसी आपको दिया हुआ है, यस सर क्वेश्चन इज विजिबल, एक्सेलेंट, क्वेश्चन करना शुरू कर दीजिए। यदि मुझे यहाँ पर 10 थम्स अप आ गए तो फिर हम आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन जूम करिए सर, क्वेश्चन तो ऑलरेडी जूम है। जी क्लास 9th के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए आप हमारे साथ 9 बजे जुड़िए, 9th के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 9 बजे जुड़िए, 9 बजे 9th क्लास का लाइव सेशन है, यस लाइव सेशन ऑफ क्लास 9th एट 9:00 टुडे। इतनी बार मैसेज डालने की जरूरत नहीं है थापड़ियाल साहब, जी कृपा की कोई ऐसी बात नहीं, 9 बजे आपसे मिलेंगे थापड़ियाल साहब, 9:00 आइएगा, 9:00 आपसे बात करेंगे। 10 बच्चों के यदि थम्स अप आ गए हैं तो एक क्वेश्चन हो जाएगा, एक आ चुका है। जी थैंक यू वेरी मच थापड़ियाल साहब, अपने दोस्तों को भी बुला दीजिएगा, इस वीडियो को शेयर कर लीजिए, यूट्यूब के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। जी गुरमेल गुलाटी ने कहा डन, अक्षर जैन साहब ने कहा डन, 3 थम्स अप मैं देख चुका हूं, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, डन ओरली। क्या क्वेश्चन है ये देखते हैं, मेरे पास ये ट्रायंगल एबीसी है और मैंने इसके ऊपर खींच दिया है एक परपेंडिकुलर, और क्वेश्चन में दिया हुआ है 2DB इज 3CD, तो आपका BD जो है वो 3CD बाय 2 है, यदि आपको इस रिलेशन को लिखना है, और यदि आपको BD और BC का रिलेशन निकालना है तो आप इसी को यूज़ करिए जो सबसे ऊपर लिखा हुआ है, आप यूज़ करिए, आप इसको लिखिए BD और CD को लिख लीजिए BC माइनस BD, और जब आप इसको ब्रेक करेंगे तो आपका आ जाएगा 3BC माइनस 3BD, यानी 5BD इज इक्वल टू 3BC, यानी BD की वैल्यू आ गई 3BC बाय 5, गॉट इट। और उसके बाद आप BD खोल लीजिए, BD को आपने लिखा BC माइनस CD, और सामने यहाँ पर लिखा हुआ है 2, क्योंकि आप BD को खोल रहे हैं, आप यहाँ देखिए BD को खोलिया आपने, और यहाँ लिखा हुआ है 3CD, तो 2BC माइनस 2CD इज इक्वल टू 3CD, और क्वेश्चन में 2BC इज इक्वल टू 5CD, तो 2BC बाय 5 आ गया आपका CD की वैल्यू। अब ये आपकी BD और CD की वैल्यू आ गई है, अगले स्टेप में हमने फिगर दोबारा बनाई है, अब हम फिगर को बना के कर रहे हैं क्वेश्चन। ये हमारे पास फिगर है ट्राइंगल ABC, हमने ऑल्टीट्यूड खींच दिया जिसका नाम D था, वॉट इज़ AB स्क्वायर, AB स्क्वायर इज AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, और क्वेश्चन में ध्यान से आप देखते हैं कि क्वेश्चन में आपको AD नहीं चाहिए, तो आपने AD को ब्रेक करा पाइथागोरस से AC स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर, और यहाँ आ गया BD स्क्वायर। अब आपको ये दोनों नहीं चाहिए, इन दोनों की जगह आपने करा कॉपी एंड पेस्ट, और आपने CD की वैल्यू
टू बी सी बाई फाइव लिख दी, यानी 4 BC² / 25, और आपने बी डी की वैल्यू लिख दी 3 BC / 5, यानी 9 BC² / 25, और जब आपने 25 से एलसीएम लिया तो ये आपका 25 AC² हो गया और A5 BC² हो गया, और जब आपने 5 से डिवाइड करा तो आपका ये आंसर आ गया 5 AB 5 AC। और क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या थी? क्वेश्चन की लैंग्वेज भी मेरे ख्याल से यही थी। देखिए क्वेश्चन की लैंग्वेज है हमारे पास, ये लैंग्वेज थी, और ये हमारा हो गया हैंस प्रूफ्ड। किस किस को समझ में आ चुका है ये क्वेश्चन? जी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। जी मोह कपूर ने कहा हो गया, मोह कपूर ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का जो एक क्वेश्चन है 6.4 एक्सरसाइज में, उससे मिलता जुलता क्वेश्चन है। जी बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये, बुबना साहब बता रहे हैं। जी दोस्तों इट्स इजी क्वेश्चन, अगमप्रीत सेज यस इट इज इजी, क्योंकि क्या होता है बबुआ सारे इजी क्वेश्चन तो आते नहीं, एक का टेढ़ा आएगा, और सारे टेढ़े भी नहीं आते तो इजी भी आते हैं। बहुत अच्छा बताया है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, एक क्वेश्चन लेते हैं हम, और क्वेश्चन ले लेते हैं हमारे पास यहाँ पर। ये असाइनमेंट थी, और इस असाइनमेंट का हम लेने वाले हैं एक अच्छा क्वेश्चन, इसको यहीं रख देते हैं और यहाँ से एक पेपर और ऐड कर लेते हैं। जी जी यहाँ ऐड कर लेते हैं एक और पेपर। जी हमारे पास काफ़ी सारा यहाँ पे मटेरियल है, और हमने ये पेपर ऐड कर लिया है। जी अब मेरा मन कर रहा है मैं आपको क्वेश्चन नंबर 22 करके दिखाऊं। क्वेश्चन नंबर 22 ये वाला क्वेश्चन हम करते हैं। आइए देखते हैं ये क्वेश्चन कैसा है। आइए यहां अंडू करते हैं, इसका हम स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। जी आइए क्वेश्चन करते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 22 करेंगे अभी, मिलके करेंगे, शाबाश। और हमारे पास यहां पर क्वेश्चन नंबर 22 आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 22 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। अगली बार ट्यून भी रखा करेंगे जैसे बता, ये रहा आपकी स्क्रीन पे। जी इजी है। अरे अरे बबुआ सारे क्वेश्चन ही इजी है, जब करे हुए हैं ना तो इजी ही है। बहुत बढ़िया, करते रहिए दोस्तों। क्या आप कर रहे हैं ऐसा निशान बना दीजिए। जी आदित्य अग्रवाल साहब कैसे हैं आप? जी बोलो मैथ्स बाबा की जय। जी बहुत सही है, कर रहे हैं, लोगों के साइन आ चुके हैं, लोग कर रहे हैं, और जमदार तरीके से लोग करे आ रहे हैं। और मैं देख रहा हूं कि बच्चों में बहुत जज्बा है, बच्चों को यहाँ 5 घंटे पढ़ाएंगे तो पढ़ेंगे क्या? 5 घंटे पढ़ाएंगे तो पढ़ेंगे हमारे साथ। जी मस्त क्वेश्चन है। बहुत सही, करिए करिए शाबाश, फिर मैं आपको कराऊंगा 2 मिनट के बाद, क्योंकि हम ये 4 मार्कर क्वेश्चंस कर रहे हैं, और 4 मार्कर क्वेश्चन करने में लगता है कई बार टाइम। दोस्तों इस करंट सेशन के लिंक को अपने दोस्तों के साथ पानी पी रहे हैं, बिल्कुल पी रहे हैं पानी। जी आप अपने साथ पेपर और पेन रखिए, और साथ में पानी रखिए, आप साथ में कॉफी पी सकते हैं, चाय पी सकते हैं। जी हिमांशु सेती आई एम गुड। जी हो गया है बता रहे हैं, हो गया है। प्रशांत गुप्ता कह रहा है हो गया है, बहुत बढ़िया प्रशांत। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, इस लाइव से जिनका हो चुका है वो इस लाइव सेशन के लिंक को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए। जहाँ पर आप ये वीडियो देख रहे हैं ना, लाइव चैट को बंद करिए, लाइव चैट जैसी बंद होगी तो शेयर का आएगा, लाइक का निशान, तो आप लाइक तो कर ही चुके हैं, शेयर के निशान को ऐसे दबाएंगे ना नीचे ऑप्शन आएगी, ट्विटर कर देंगे, प्रिंस यादव नमस्कार ट्विटर पर डाल सकते हैं। जी 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 ट्विटर पे डाल सकते हैं आप इसको व्हाट्सअप कर सकते हैं, अपने टीचर्स को भेज सकते हैं, अपने स्कूल के व्हाट्सअप ग्रुप पे डाल सकते हैं। डाल दीजिए, पेन की इंक भर के आता हूँ। हाँ भर ले बेटा पेन की इंक, पेन की इंक क्या ऐसे इंक से भर रहा है पेन? अरे साथ में दूसरा पेन रख लेना, शाबाश।
अक्षत जैन ने भी कर लिया है, बहुत सही है। दोस्तों फोर मार्कर क्वेश्चन है, बता रहा हूं पहले ये फोर मार्कर क्वेश्चन है। जैसा कि मैंने बताया है आप लोगों को, जो बच्चे अभी जुड़े हैं मेरे पास, यदि आपको ये 30 एक्सपेक्टेड क्वेश्चन चाहिए तो आप इस नंबर पे हमें व्हाट्सअप कर लें, अभी स्क्रीनशॉट लेके रख लें इसका, बाद में नंबर लिख लीजिएगा। चैतन्य शर्मा कह रहा है हो चुका है, शाबाश मेरे बच्चे, तुम रॉक करने वाले हो जी। बेसिक की वीडियो भी डालते रहेंगे प्रथम भाई एडू 91 पर बेसिक की वीडियो डली हुई है जी। चलिए क्वेश्चन करते हैं दोस्तों, चाहे भले ही आज कम क्वेश्चन हो लेकिन फोर मार्कर वाले क्वेश्चन आज हमने करने हैं। क्वेश्चन क्या है आइए देख लेते हैं, क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है हमारे पास एक ट्राइंगल है और हम ले रहे हैं उस ट्राइंगल के अंदर, ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल यहाँ दिया हुआ है, तो राइट एंगल बना लेते हैं। ये राइट एंगल ट्राइंगल है, दिख रहा होगा, और उसमें आपको ट्राइंगल का एरिया, हम ट्राइंगल का नाम पी क्यू आर ले रहे हैं, ट्राइंगल का एरिया ए दिया हुआ है। मैं आपको बता दूँ ट्राइंगल का एरिया निकालने के दो मेथड होते हैं, क्योंकि यहाँ हम खींच रहे हैं एक ऑल्टीट्यूड, ऑल्टीट्यूड का नाम मैं रख रहा हूँ एक्स, एक्स तो क्वेश्चन में हमने पॉइंट ले लिया, और इसका नाम रख लेते हैं हम स्मॉल वाई, क्योंकि हमें क्वेश्चन में प्रूव करना है स्मॉल वाई इज इक्वल टू 2 कैपिटल ए बी अपॉन अंडर रूट बी रेस्ट पावर 4 + 4a² जो यहाँ ये लिखा हुआ है, इसका मतलब ये स्मॉल वाई है, ये हमें ये प्रूफ करना है स्मॉल वाई की वैल्यू को। आइए करते हैं। एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल के दो फॉर्मूले होते हैं, एक होता है हाफ इंटू परपेंडिकुलर इंटू बेस, और एक होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ये हाफ इंटू बेस इंटू जो हाइट है, ये 1:18 का शेड्यूल भी पक्का डालूंगा दोस्त, अभी पढ़ाई कर लेते हैं, सिमर ट्राइंगल कर ले मेरे साथ, मजा आ जाएगा, क्योंकि 22 मिनट हो चुके हैं। मैं चाहता हूँ अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको करा दूँ जी, क्योंकि हम बच्चे हमसे बहुत बात करना चाहते हैं, हम बच्चों से बहुत बात करना चाहते हैं, बिल्कुल करेंगे। वो क्या लिख रहा है कि आई हेट फोर मार्कर क्वेश्चन, डोंट हेट इट, जस्ट पढ़ाई करो अभी जी। तो हमने क्या करा, लिखा हुआ है इफ ए इज द एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल एंड बी इज वन ऑफ द साइड, इसको बी मान लो, तो हाफ इंटू पी क्यू इंटू क्यू आर, ठीक है जी। तो ए हो गया हाफ इंटू बी इंटू क्यू आर, और ए के हो गया हाफ इंटू पी आर इंटू क्यू एक्स, और हमने QX को माना हुआ है क्या, QX को माना हुआ है हमने Y। तो आप ध्यान से देखिए, यहां से मैंने QR की वैल्यू निकाली 2A अपॉन B, और यहां से PR की वैल्यू निकाली 2A अपॉन Y, और फिर हमें एक ही चीज आती है पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम से हमने क्या किया, हमने लिखा पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर, और यहाँ पे हमने पी आर की वैल्यू को लिखा, ये पी आर की वैल्यू है दैट इज 4a² अपॉन वाई स्क्वायर, फिर हमने पी क्यू की वैल्यू को लिखा बी स्क्वायर, और क्यू आर की वैल्यू को लिखा 2a अपॉन बी, यानी 4a² अपॉन बी स्क्वायर। अगले स्टेप में हमने क्या करा, अगले स्टेप में हमने यहाँ एलसीएम ले लिया, एलसीएम आया बी स्क्वायर, ऊपर आया बी रेस्ट पावर 4 + 4a², अब ये बी स्क्वायर चला गया इस साइड, वाई स्क्वायर चला गया उस साइड। तो आपको मैं दिखा दूँ, यदि आपको नहीं दिख रहा तो जी यहाँ मैं हटूंगा तो दिखाई दे जाएगा आपको जी। तो अब ये हो गया 4a² बी स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, और ब्रैकेट में आ गया बी रेस्ट पावर 4 + 4a². अब इस पूरे को कहां ले जाइए, नीचे, जैसे ही नीचे लेके जाएंगे रूट निकालेंगे, आंसर आ गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं दोबारा बता दूं, जब आप इसको नीचे लेके जाएंगे, और यहां से मैं आपको बता दूं, आपने आपका आया था जी, आपका आया था 4a² अपॉन वाई स्क्वायर इज इक्वल टू बी रेस्ट पावर 4 + 4a² अपॉन बी स्क्वायर, ये बी स्क्वायर यहाँ चला गया, तो 4a² बी स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर ब्रैकेट में बी रेस्ट पावर 4 + 4a², तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4a² बी स्क्वायर,
अपॉन बी रेस टू 4 + 4a² तो जब आप रूट लेंगे तो ये आ गया 2ab और नीचे आ गया अंडर रूट बी रेस टू 4 + 4a² प्रूफ गॉट इट। तो ये जो चीज़ें हैं ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, जब ये चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं तभी ये चीज़ें एग्ज़ाम में आती हैं। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यदि आपको क्वेश्चन पसंद आया तो थम्स अप करिए और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जी अब हम एक क्वेश्चन यहाँ करने वाले हैं, क्वेश्चन का नंबर है 19th नंबर क्वेश्चन है जी, यदि आपको आता है तो मेरे साथ करेंगे और आपको समय मिलेगा खाली 2 मिनट का। ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है जी, आइए देख लेते हैं क्वेश्चन को। और क्वेश्चन है हमारे पास, ये रहा हमारी स्क्रीन पर जी, जी हमने इसको स्क्रीनशॉट लिया तो ये स्क्रीनशॉट हुआ नहीं, दोबारा ले लेते हैं क्वेश्चन होता 19 नंबर क्वेश्चन है। एक बार क्वेश्चन दिखा रहा हूं दोस्तों आप लोगों को जी, ये रहा आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन और ये क्वेश्चन आने वाला क्वेश्चन है दोस्तों जी। क्वेश्चन है जी सर जी, फ्रस्टम में दिक्कत आ रही है, फ्रस्टम भी करा देंगे दोस्त, चिंता मत कर, एक क्लास फ्रस्टम की रख लेंगे, वाटर फ्लो की रख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, 2-4 क्वेश्चन यहाँ करा देंगे, हो जाएगा। एक बच्चे को वाटर फ्लो में भी दिक्कत आ रही बता रहा था, करा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है जी। करिए शाबाश करिए दोस्तों करिए, कुछ नहीं होता, अभी पढ़ा रहे हैं हम, यहाँ पढ़ा रहे हैं तो आपको यदि पढ़ना अच्छा नहीं लगता उस पर कोशिश करिए कि आप पढ़िए, यदि पढ़ेंगे तो आपका फ़ायदा होगा यदि आप किसी क्लास में हैं दोस्तों जी। कैसे करेंगे क्वेश्चन दोस्तों, कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, फ्रस्टम कराएंगे, हाउ टू अटेम्प्ट पेपर का लिंक कहाँ पर है सर, आप ढूंढेंगे चैनल पे आ जाएगा। अभी सिमिलर ट्रायंगल पढ़ लेते हैं। हेलो श्रीजन, कैसे हैं आप जी, कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, आइए देखते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास कि एक क्वाड्रिलैटरल आपको दिया हुआ है और उस क्वाड्रिलैटरल के अंदर एंगल ए और एंगल डी का सम 90 है, यानी इन दोनों का सम 90 है। तो यदि मैं इसको थोड़ा सा प्रोड्यूस कर दूं तो इन दोनों का सम 1 + 2 का सम 90 है, तो ये वाला एंगल अपने आप क्या हो गया 90। इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन दोस्त, आपने इन दोनों का सम 90 कर दिया, तो अब जैसे ही इन दोनों का सम 90 हुआ तो ट्रायंगल APD में आप पाइथागोरस लगा सकते हैं, PA² + PD² = AD² समझ रहे हैं। तो देखिए ये भी राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, तो ट्रायंगल PBC में भी आप पाइथागोरस लगा सकते हैं, PB² + PC² = BC² और अब आप चारों को ऐड कर रहे हैं तो PA² + PD² + PB² + PC² = AD² + BC² तो आप ध्यान से देखिए क्वेश्चन में ये चीज़ तो आ गई आपका राइट हैंड साइड। अब क्वेश्चन में थोड़ी सेटिंग कर लेते हैं, आप ध्यान से देखिए, यदि मैं इसको ज्वाइन कर दूं तो ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, देखिए ये देखिए मैजिक हो गया। तो इसका मतलब आप क्वेश्चन में देखिए, यदि मैं
पीबी स्क्वायर और पीडी स्क्वायर को ज्वाइन कर दूं तो बन रहा है बीडी स्क्वायर। ऐसे यदि मैं ग्रीन कलर ले रहा हूं, आपके पास तो ब्लू कलर होगा वहां, यदि मैं यहां एक ट्राइंगल देख रहा हूं तो ये ट्राइंगल बन रहा है पीएसी, और पीए स्क्वायर प्लस पीसी स्क्वायर देखता हूं तो बन जाता है एसी स्क्वायर, और सामने लिखे हुए हमारे पास एडी स्क्वायर प्लस बीसी स्क्वायर, हेंस प्रूफ। देखिए ये भी आ गया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, यदि आपको ये पसंद आया है तो थम्स अप करिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको देख लीजिए, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जी, थम्स अप, एक्सेलेंट जी। नाइन्थ क्लास के बारे में मैंने बताया था, नाइन ओ क्लॉक आइएगा दोस्त, अभी यहाँ बात करते हैं टेंथ क्लास के बच्चों से, नव्या आ चुकी है, इट्स फ्रॉम एनसीईआरटी क्वेश्चन, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर क्वेश्चन जी जी जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि इस वीडियो के बारे में हम बात कर रहे थे, आज हमें सिमिलर ट्राइंगल के बारे में बात करनी थी और आज हमें जनरल बात करनी थी, लेकिन जनरल बात आज नहीं हो पाएगी, आज बात हो पाएगी खाली सिमिलर ट्राइंगल की जी। अगला लाइव सेशन हम सैटरडे को लेंगे, उसके बारे में हम आपको फ्राइडे नाइट को बताएंगे कि सैटरडे आपका लाइव सेशन 7 बजे होगा, शाम को 7 बजे नेक्स्ट लाइव सेशन का आप टाइम नोट कर लीजिए, नेक्स्ट लाइव सेशन का जो टाइम होगा वो होगा 7 बजे, नेक्स्ट लाइव सेशन फॉर क्लास 10th इज एट 7 PM 25th Jan सैटरडे को होगा अगला लाइव सेशन जी। मैं अभी दोस्त अभी पढ़ा रहा हूँ, अभी मैं आपके क्वेश्चन का कैसे जवाब दे सकता हूँ, आप खुद सोचिए, आप तो इतने समझदार हैं जी। अब हम करने वाले हैं दोस्तों एक क्वेश्चन, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन लेने वाले हैं यहाँ से, और जो क्वेश्चन दिख रहा है मुझे वो लेंगे, एक क्वेश्चन लेने वाले हैं जी, ओके एक लेते हैं दोस्तों, ये क्वेश्चन एक अच्छा है जी, ये आपको आता होगा, थोड़ा सा आसान क्वेश्चन है, लैंग्वेज में थोड़ी सी इसकी दिक्कत है, ये क्वेश्चन लेते हैं जो रैट की तरह है और ये एनसीईआरटी में नहीं है, ये क्वेश्चन ये लेते हैं क्वेश्चन जी, आइए इस क्वेश्चन को लेते हैं, ये क्वेश्चन रैड में नहीं है, क्वेश्चन है जी, यदि आपको आता है फिर भी आप इस क्वेश्चन को जरूर करिएगा, आपको दे रहा हूं मैं इस क्वेश्चन के लिए 3 मिनट, शाबाश जी, 9 बजे आइएगा फिर बताएंगे आपको, इस क्वेश्चन को करते हैं दोस्तों जी, आइए, इजी है, गर्व कह रहा है इजी, सच्ची में इजी क्वेश्चन है ये, रैट की प्रॉपर्टी का क्वेश्चन है, बस हम यहाँ थोड़ी प्रैक्टिस कर रहे हैं और तभी हम हो पाएंगे जी। अभिषेक कुमार भैया करिए, शाबाश जी, थपड़ियाल साहब 9 बजे आइएगा, आपको अच्छी अच्छी बातें बताएंगे जी, लाइव सेशन में आएंगे, एबीटी के फ़ायदा ज़रूर होगा, नुकसान का नहीं पता, फ़ायदा ज़रूर होगा, ईजी है, सेम है साइड्स वाला ऑलमोस्ट, यस, हेलो हिमांशी कैसी हैं आप जी, कम्युनिटी सेक्शन को देखते जाइए, हमारी टीम ने बताया है, उसने कहा मैं ऋषभ बोल रहा हूँ, हिमांशी कह रही है मैं थोड़ा लेट हो गया हूँ, कोई ऐसी बात नहीं, अपने दोस्तों को आप जोड़ लीजिए इस लाइव सेशन में, और यदि वो नहीं जुड़ पा रहे तो उनको इस वीडियो का, जब ये वीडियो अपलोड हो जाएगी, बिल्कुल ठीक है अभिषेक कुमार भैया, पहचान लिया मैंने आपको, आपके स्कूल में आया था मैं, सभी को मेरी तरफ से नमस्कार कहिएगा, और सैंपल पेपर यदि आपको एवीटी के चाहिए और ये 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए तो आप क्या करिएगा, आप इस नंबर पर हमें व्हाट्सअप कर दीजिएगा, 24 घंटे के अंदर आपको सैंपल पेपर मिल जाएंगे, 9871041788, अभिषेक आपको बता रहा हूँ ये आपके लिए लिख रहा हूँ, इस व्हाट्सअप नंबर को आप लिख लीजिए और आपके स्कूल में सभी को ये व्हाट्सअप नंबर दे दीजिए ताकि हम उनको फ्री मटेरियल देख सकें,
जी बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। कोएड स्कूल में मैं आपसे मिला था, जो RPVV के बिल्कुल साथ वाला स्कूल है, वहाँ आया था मैं आपके स्कूल में। थैंक यू वेरी मच अभिषेक। आइए अब क्वेश्चन पे बात करते हैं जी। किन किन लोगों ने ये वाला क्वेश्चन कर लिया है जी? किन किन लोगों ने ये वाला क्वेश्चन कर लिया है जी? कर लिया है, कर लिया है। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करना है। सर इस क्वेश्चन में आपको सबसे पहले बनाने हैं दो ट्रायंगल, एक का नाम देते हैं PQR, एक का नाम देते हैं ABC, और क्वेश्चन में दो मेरे पास एंगल बाइसेक्टर हैं। यहां दोनों जगह वन वन आएगा बिकॉज ABC ट्राइंगल सिमिलर है ट्राइंगल PQR के। ये हमारे को गिवन है, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल आर, और साइड्स का रेशो भी गिवन है जी। और अब हमें टू प्रूव क्या करना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर को हमें प्रूव करना है AD स्क्वायर अपॉन PM स्क्वायर, वेयर PM एंड AD, डन सर, वेयर PM एंड AD आर दी एंगल बायसेक्टर्स। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, हम सबसे पहले, हमें पता है हमारे ट्राइंगल सिमिलर हैं, हम इसको वन इसको टू लिख देते हैं। हम ले रहे हैं ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल पी क्यू एम। फर्स्ट स्टेप हमने लिखा एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू, ये बात हमें गिवन है। सेकेंड स्टेप एंगल वन इक्वल टू एंगल टू, क्योंकि जब एंगल ए और एंगल डी इक्वल हैं, पी इक्वल है, तो उनके हाफ भी इक्वल होंगे। बिल्कुल ठीक है दोस्त। तो हमारा क्या हो गया, ट्राइंगल ए बी डी और ट्राइंगल पी क्यू एम सिमिलर हो गए जी। थोड़ा सा नीचे कर रहा हूँ दोस्तों जी। तो ये हमारे ट्राइंगल सिमिलर हो गए दोस्तों, और ट्राइंगल सिमिलर होने के बाद हम ले रहे हैं साइड्स का रेशो ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू ए डी अपॉन पी एम। ये हमारा फोर्थ स्टेप होगा, और पांचवें स्टेप में हम लगा रहे हैं रैड थ्योरम। आपको मालूम है रैड थ्योरम क्या होती है? द रेशो ऑफ एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल। कराची से हैं, बहुत बढ़िया। द रेशो ऑफ एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल इज इक्वल टू रेशो ऑफ स्क्वायर ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू, हमारी साइड थी ए बी स्क्वायर अपॉन पी क्यू स्क्वायर, और ये उठा के यहाँ डाल देंगे, और जैसे ही हम इसको डालेंगे तो यहाँ आ जाएगा ए डी स्क्वायर अपॉन पी एम स्क्वायर, और ये हो गया हेंस प्रूव्ड। मुझे मालूम है ये क्वेश्चन एक आसान क्वेश्चन है, लेकिन जी इस क्वेश्चन को जरूर ध्यान से देख लीजिए, इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन मैं आपको एक बार फिर दिखा दूंगा, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, आसान है। ये सेम क्वेश्चन अच्छा भेज दिया है आपने, हमारी टीम ने आपको भेज दिया होगा। मैं चाहता हूँ सभी अपने दोस्तों के साथ वो नंबर शेयर कर लीजिए। हमारा जो नंबर है ये व्हाट्सएप नंबर है, इस नंबर को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए, और इसमें हम आपको भेजेंगे कुछ मटेरियल बिल्कुल फ्री जी। तो सार्थक गुप्ता अभी अभी आप आए हैं, सेशन को आप बाद में देख लीजिए, अभी मिल गए। अच्छा कईयों को मिल भी गए हैं, देखिए टीम ने भेज दिए हैं आपको ये सारे क्वेश्चन। बहुत सही, 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है सभी को मिल जाएंगे यदि आप हमें व्हाट्सएप करेंगे इस नंबर पर जी। वो कह रहे हैं मिल गया है, एक्सलेंट। प्रियांशु भाई कैसे हो जी? प्रियांशु भी हमारे पास दो तीन तरह गए हैं, इसलिए मुझे मालूम नहीं है कौन सा। अच्छा अभिषेक कुमार भैया जा रहे हैं, अभी रुकिए, अभी तो 11 मिनट बाकी हैं। क्या हम इस सेशन को अभी कंटिन्यू रखें जी? रखें तो यो लिखिए, नहीं तो नो लिखिए। यो या नो ऑप्शन आपके पास है।
चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं, तब तक मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ एक। जी हॉट एंड कोल्ड वाटर मिक्स चल रहा है यहाँ पर, बिकॉज यो यो सर मैथ्स में असर्शन और रीजनिंग वाले क्वेश्चन आएंगे, बिल्कुल नहीं आएंगे, बिल्कुल नहीं आएंगे, बिल्कुल नहीं आएंगे, साइंस में आएंगे, पक्का आएंगे साइंस में। जी चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन की तरफ। कितने क्वेश्चन हुए हमारे, अच्छे अच्छे क्वेश्चन मेरे ख्याल से चार हुए हैं। जी हमारे चार क्वेश्चन आज हो चुके हैं और हम कर चुके हैं अपना एक और दो और हमने करा है तीन और हमने करे हैं चार क्वेश्चन। चलिए अब एक क्वेश्चन और ले लेते हैं दोस्तों, ये कर रहे हैं हम थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन करते हैं। जी आइए देखते हैं कौन सा क्वेश्चन हम करने वाले हैं एक समर ट्रायंगल का। जी एक मेरा ये भी बड़ा फेवरेट क्वेश्चन है यार, कर लो, थोड़ा आसान है क्वेश्चन लेकिन कर लेते हैं, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जी ये भी आता है अक्सर एग्जाम्स के अंदर। जी लिखिए, आइए दोस्तों लिखिए। जी टेलीग्राम के बारे में कैसे बताऊं दोस्तों, अभी यदि आप इंग्लिश के बारे में बात करें तो अभी तो बात मैथ्स की हो रही है। जी और मैथ्स के बारे में बता सकते हैं आपको, जो पूछेंगे वो बता देंगे, क्या करें मैथ्स के अलावा तो अभी मुश्किल हो जाएगा चीज़ों के बारे में बताना। आइए करिए दोस्तों एक अच्छा क्वेश्चन है, फोर मार्कर क्वेश्चन तो नहीं आता बट कई बार थ्री मार्कर ये क्वेश्चन आ जाता है। जी बहुत सही है, एक्सेलेंट चल रहा है दोस्तों, बहुत बढ़िया है, आपने कहा आपको आता है ये, बहुत सही। मैं दोबारा बोलता हूँ, इस लाइव सेशन के लिंक को स्प्रेड कर लीजिए। जी टीम की तरफ से मैसेज आ रहा है कि आपको 24 घंटे के अंदर 30 एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भेज दिए जाएंगे। जी शाबाश, जल्दी से इस क्वेश्चन को करेंगे दोस्तों, कुछ देर आप मेरे साथ हैं अभी और क्लास 9th का सेशन होगा रात को 9 बजे, 9th 9 बजे। जी आइए इस क्वेश्चन को करते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, जो हमने पहला क्वेश्चन किया था ना, ये वाला ये दूसरा या तीसरा क्वेश्चन था आज का, ये इसी का भाई क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चन लिंक्ड हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं बता रहा हूं आपको। चलिए हम कर रहे हैं ये एक क्वेश्चन और इसमें भी एक ऑल्टीट्यूड दिया हुआ है, एक बार क्वेश्चन पहले पढ़ लेते हैं। इन अ राइट एंगल ट्राइंगल विद साइड्स ए एंड बी एंड हाइपोटेन्यूज सी, जब हाइपोटेन्यूज सी होता है ना दोस्तों तो राइट एंगल सी होता है, ये रूल याद रख लीजिए, जब हाइपोटेन्यूज सी होता है ना, जैसे अब यहाँ इसने लिखा हुआ है हाइपोटेन्यूज सी तो ये सी है, तो बी के सामने स्मॉल बी आएगा और ए के सामने स्मॉल ए, ये रूल याद रख लीजिए। एन ऑल्टीट्यूड ड्रॉन टू हाइपोटेन्यूज इज स्मॉल एक्स, तो ये स्मॉल एक्स दिया हुआ है और ये आपका टू प्रूफ है, तो वही एरिया दो बार निकालिए जैसा हमने आपको सिखाया था, एरिया पहला आएगा हाफ इंटू ए इंटू बी, दूसरा आएगा हाफ इंटू सी इंटू एक्स, तो मैंने हाफ बाद में लिख दिया। एरिया की वैल्यूज को आप इक्वेट कर दीजिए तो हाफ इंटू ए इंटू बी इज टू हाफ इंटू सी इंटू एक्स, तो ए बी अपॉन एक्स आ गया सी की वैल्यू। अब क्वेश्चन में लगाइए पाइथागोरस, और क्वेश्चन में आपको सी नहीं चाहिए, जैसा हम बताते हैं पाइथागोरस में क्या करते हैं, पाइथागोरस में बताते हैं ना, जो नहीं चाहिए उसको उड़ा देते हैं, तो यस इस सी को उड़ाइए तो सी की वैल्यू हो गई ए स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, और सामने है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर नीचे ले आइए तो वन अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, जी वन अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर। अब लिखिए वन अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर,
एंड बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तो ये बी स्क्वायर कट गया, ए स्क्वायर कट गया, तो आंसर आया 1/x² इज इक्वल टू 1/a² + 1/b² जी। ये बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन, लड्डू क्वेश्चन है, सही जवाब दिया जतिन ने, लड्डू क्वेश्चन है ये जी। ग्रेट जॉब क्या है हमारा, तो कहना है कि हम तो एक बार बता दिया, एक बार बता दिया तो हमने बच्चों को कह दिया कि हम मिलेंगे, तो हमने आपको मिल लिए। अब हम अगली बार मिलेंगे सैटरडे शाम को 7 बजे, बट फ्राइडे को आप चेक कर लीजिएगा, क्वेश्चन हो चुका है जी। एक क्वेश्चन और बोलो, यो यो, अच्छा एक क्वेश्चन और, बहुत सही है। आइए अगला क्वेश्चन करते हैं, अगला क्वेश्चन हमारे पास बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन ले लेते हैं, सिमिलर ट्राइंगल का ही लेंगे दोस्तों, क्योंकि आज बात चल रही है सिमिलर ट्राइंगल की, सिमिलर ट्राइंगल का एक क्वेश्चन लेते हैं, और ये भी एक फेवरेट क्वेश्चन है, एक थोड़ा सा अजीब सा क्वेश्चन भी करा सकते हैं हम, ये करिए मज़ा आएगा, इस क्वेश्चन को करके देखिए, बहुत मज़ा आने वाला है आपको जी, करिए इस क्वेश्चन को। जी मित्तल साहब, रात को 9 बजे आपसे मिलेंगे, 9 बजे आइएगा मित्तल साहब अग्रवाल साहब के साथ जी, थैंक यू। करिए शाबाश दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, करिए, ताकि एक चाय का वक्त हो गया, मैं जरा बस एक कप लेके आ रहा हूँ आपके पास, 10 सेकंड से पहले वापस आ जाऊँगा, टफ है ये, मज़ा आएगा करोगे तो मज़ा आएगा। थैंक यू जी, चाय आ चुकी है मित्तल साहब, 9 बजे मिलेंगे, अपने दोस्तों को बुला लीजिएगा जी, सारे दोस्त जुड़ने चाहिए स्कूल के, तभी मज़ा आएगा सेशन के अंदर, लाइव सेशन में जी। ये क्वेश्चन तो आपने कॉपी कर लिया है ना, करिए करिए शाबाश, यू वॉन्ट टी, अपना घर पे बोलिए, चाय पिलाएंगे आपको बढ़िया सी, और एक कप हमारे नाम का भी पी लीजिएगा, शाबाश डन सर। सर क्वेश्चन बहुत अच्छा है ये, जितने भी मैंने आपको क्वेश्चन कराए हैं आपको पसंद आए होंगे आज, जैसी ये वीडियो अपलोड हो जाएगी तो अपलोड होने के बाद कमेंट करिएगा कि आपको कौन सा क्वेश्चन अच्छा लगा, और अगले सेशन में आपको कौन सा टॉपिक हमसे करना है कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, अगले सेशन में कौन सा टॉपिक करना है कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, जी जी डन, डेटा ख़त्म कर दिया है, बाय, ओके सी यू, फ्रस्टम करेंगे सेशन, भैया जब वीडियो अपलोड हो जाएगी ना वहाँ लिखिएगा, अभी मेरे पास 11-12 मिनट हैं, 11-12 मिनट ज़रा ये कर लो जी जी जी। ये कैसे होगा, बच्चा पूछ रहा है ये कैसे होगा, आइए शुरू करते हैं। ए बी सी डी पैरेललोग्राम है, ए बी इज डिवाइडेड एट पी एंड सी क्यू एट डी इन सच अ वे ए पी इज टू पी बी इज 3:2, यानी पी दूर होगा ठीक है, और सी क्यू इज टू क्यू डी इज 4:1, तो यहाँ क्यू भी दूर होगा। ये मैं आपको समझाता हूँ ये क्या लिख रहा है, ये लिख रहा है 3, ये 2, ये 4, ये 1, और इसको ज्वाइन कर देते हैं ठीक है जी। आपको बताना है कि ये एसी को आर पे मीट कर रहे हैं, आपको टू प्रूफ बताना है AR इज इक्वल टू 3/7 AC। देखिए एवीडी के चैनल पर मजाक नहीं होगा, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, मैं दोबारा बता रहा हूँ, जो लोग 10th के अभी लाइव सेशन से हट गए हैं उनको भी मैसेज डाल देना कि भैया ये वीडियो देख लो, हो सकता है किसी जरूरी काम से हट गए हो, जैसे एक ने बताया डाटा कम हो गया है, एक को हो सकता है पेन की इंक खत्म हो गई है, वापस आ गया होगा वैसे वो बच्चा अभी तक, बट मैं जस्ट जोकिंग, उनको भी बताइएगा क्वेश्चन किसी का मिस नहीं होना चाहिए, दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट जी। आइए देखते हैं दोस्तों क्या करना है, समझते हैं, ये एंगल 1, ये एंगल 2,
ये एंगल थ्री, ये एंगल फोर, क्योंकि ये पैरेललोग्राम है तो ऑल्टरनेटीरियर एंगल्स आर इक्वल, तो ट्राइंगल अराप इज सिमिलर टू सराका। ये ट्राइंगल सिमिलर हो चुके हैं जी, ये ट्राइंगल सिमिलर हो चुके हैं तो बाय ए ए, गॉट इट। और ए आर अपॉन सी आर इज इक्वल टू ए पी अपॉन सी क्यू विच इज इक्वल टू आर पी अपॉन आर क्यू। इफ टू ट्राइंगल आर सिमिलर देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन सेम रेशो। अब ध्यान से देखिए कि ए पी और पी बी का रेशो था 3:2, तो ए पी अपॉन ए बी का रेशो आएगा 3:5। ऐसे ही सी क्यू अपॉन क्यू डी था 4:1, तो सी क्यू अपॉन सी डी आएगा 4:5, यानी सी क्यू इज 4/5 सी डी एंड ए पी इज 3/5 ए बी। एंड आपको एक मजेदार बात बता दूं, ए बी और सी डी इक्वल हैं। तो बच्चा कह रहा है कि सर इसका मतलब यदि मैं ए बी और सी डी की वैल्यू इक्वेट करूं, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सी डी, सी डी इज 5 CQ/4 द वैल्यू ऑफ सी डी, एंड ए बी की वैल्यू इज 5 AP/3, दिस 5 विल कैंसिल, सो ए पी बाय सी क्यू इज 3/4। तो ये 3/4 वैल्यू यहाँ डाल दीजिए, तो ए आर बाय सी आर आ गया 3/4। और आपको चाहिए ए सी, तो इसका मतलब आपको सी आर नहीं चाहिए, तो आपने सी आर को लिखा ए सी माइनस ए आर। अब आपको बताइए इसके बाद कितने मेथड हैं इसको करने के, एक मेथड है कि दो मेथड हैं, 1 की 2, वेट कर रहा हूँ, बताइए इसके बाद कितने मेथड हैं, 1 की 2, सोचिए इस स्टेप के बाद, इस स्टेप के बाद कितने मेथड हैं, एक मेथड है कि दो मेथड हैं, बच्चे बता रहे हैं दो मेथड हैं, बिल्कुल सही बता रहे हैं, देखिए बिल्कुल सही बता रहे हैं, इसके बाद दो मेथड हैं। तो क्या करेंगे, एक तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, एक स्टाइल, तो हम क्या करते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं ऊपर और नीचे। जब हमने ऊपर नीचे करा तो आया 4AR इज इक्वल टू 3AC माइनस 3AR, यानी 7AR इज इक्वल टू 3AC। तो भाई AR बाय AC क्या हो गया 3/7, जैसे ही AC ऊपर गया, हैंस प्रूव्ड। क्या ये क्वेश्चन आपको अच्छा लगा, थम्स अप, नहीं अच्छा लगा तो मना भी कर सकते हैं। बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी। जी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। तो दोस्तों आज हमने कुछ क्वालिटी ऑफ क्वेश्चंस करे हैं, तो मेरे ख्याल से हम लोगों ने करीबन 5 के आसपास, 6 क्वेश्चन के आसपास आज हमने करे हैं, और दीज आर वेरी गुड क्वेश्चन। जब ये वीडियो एक बार अपलोड हो जाएगा तो आप इसको ज़रूर देखिएगा। एक दो वन मार्कर भी कर सकते हैं, वन मार्कर कर लेते हैं, एक दो क्वेश्चन, आइए स्पीड से, समय नहीं लगाते, आइए एक वन मार्कर कर लेते हैं दोस्तों, 5 से 10 मिनट, 10 मिनट में सेशन हम ख़त्म करेंगे। थैंक यू वेरी मच प्रथम जी। आपको वो कराना है ना सिमिलर ट्रायंगल का ही कराता हूँ, एक वन मार्कर क्वेश्चन लिखिए। दो मिनट का इंतजार कर लीजिए, 2 मिनट से पहले ही करा दूंगा जी। चलिए लिखिए, मेरे पास यहाँ दो ट्रायंगल हैं,
मेरे पास यहाँ दो ट्राइंगल है दोस्तों, ट्रिग्नोमेट्री का भी नहीं करा पाऊंगा दोस्त। ट्रिग्नोमेट्री हमने सेशन किया था, आप वहाँ से देखिए, ट्रिग्नोमेट्री हमने पूरा सेशन कराया, एक एक घंटे से ऊपर 90 मिनट का सेशन कराया। उस 90 मिनट के सेशन में आपको मैंने 40 क्वेश्चंस के आसपास कराए थे। उस वीडियो को आप जरूर देखिएगा, 4 दिन पहले का वीडियो है एवीडी के सेशन पर। चलिए, क्वेश्चन है ट्राइंगल ए सी बी, एक है यहाँ दिया हुआ है 5, यहाँ दिया हुआ है 6, 4, और यहाँ एक ट्राइंगल है आर क्यू पी, ये दिया हुआ है 3.75, ये दिया हुआ है एक्स, ये दिया हुआ है 4.5, और बताया ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर। ये बात आपको गिवन है, आपको एक्स की वैल्यू निकालनी है, करिए, शाबाश जी। कर दिया सर, कैमरा ऊपर, सॉरी जी। 10 मिनट क्या हम सेशन ये कर सकते हैं? 10 मिनट बताइए, शाबाश। क्वेश्चन नंबर 34 कर रहे हैं हम, क्या 10 मिनट सेशन कर सकते हैं? और आंसर निकालिए एक्स का, शाबाश जल्दी से। जी जी बहुत सही है। जी दोस्तों, पढ़ाई पर फोकस करिए, शाबाश जी। डू मोस्ट वन मार्क का क्वेश्चन, 5.3 आंसर निकाल रहे हैं लोग, 5.3 आंसर निकाल रहे हैं जी। ओके, आंसर आ रहा है 3 सेंटीमीटर। किस किस का आ रहा है 3 सेंटीमीटर? दोस्त मैं बता दूं, ट्रिग्नोमेट्री के 20 क्वेश्चन नहीं, वो 39 क्वेश्चन है। जो 20 क्वेश्चन देख रहे हो हमारी प्लेलिस्ट में है, वो तो हमारी 20 वीडियो है, उसमें तो मेरे ख्याल से 40-50 क्वेश्चन है जी। आंसर नहीं बेटा, देखो ट्राइंगल ए बी सी है ना बेटा, ए बी बाय पी क्यू किसके इक्वल हो जाएगा? बी सी बाय क्यू आर के, और वो हो जाएगा ए सी बाय पी आर के। और ए बी आपका 6 है और पी क्यू आपका 4.5, तो 4.5, और आपका बी सी है 4 और क्यू आर है एक्स, तो ये आप काट सकते हो 0.3 और ये 4, तो आपका सॉरी जी 6 बाय 4.5, तो ये हो गया 60 बाय 45 इज इक्वल टू 4 बाय एक्स। तो ये जो हम कल डेसिमल की बात कर रहे थे, तो 15 4 3 तो एक्स की वैल्यू आ गई 3, क्योंकि ये 4 कट जाएगा। तो अगला क्वेश्चन करते हैं, समझ में आया होगा, थम्स अप करिए, आगे बढ़िए जी। अगला क्वेश्चन है हमारे पास वन मार्कर जी। ये छोटी छोटी गलतियां ना हो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, ये गलतियां हो जाती हैं गलतियां। जल्दी से क्वेश्चन करेंगे। दो ट्राइंगल दिए हुए हैं सिमिलर, ए बी सी और डी ई एफ। एंगल ए दिया हुआ है 45 डिग्री, एंगल एफ दिया हुआ है 56 डिग्री जी। और आपको क्या करना है, आपको इनके ऑल्टीट्यूड का रेशो निकालना है। ऑल्टीट्यूड का रेशो कैसे निकालेंगे? लेट मी चेक वन क्वेश्चन अगेन जी, एक मिनट। यस, नहीं, क्वेश्चन गलत है। चलिए क्वेश्चन बना लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास ट्राइंगल दिए हुए हैं ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल डी एफ। आपको एंगल ए 45 डिग्री दिया हुआ है और एफ 56 दिया हुआ है। आपको ए का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल निकालना है और एफ का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल निकालना है। कैसे करेंगे जी? दोनों के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल निकालने हैं और दूसरे ट्राइंगल, मतलब ए का निकालना है दूसरे ट्राइंगल में वो कौन सा होगा, और एफ का निकालना है दूसरे ट्राइंगल में वो कौन सा होगा, वाइस वर्सा जी। एक क्वेश्चन ये करिए, तब तक एक क्वेश्चन और देख लेते हैं जी। करिए शाबाश, आंसर नहीं आया अभी तक मुझे किसी का बच्चे का। ट्राइंगल ए बी सी किसके सिमिलर है बेटा? ट्राइंगल डी और सी
मतलब ए का कौन सा एंगल है पहले वो लिखो, और फिर एफ का कौन सा एंगल है वो लिखो। जी हेलो अविरल गुप्ता, रात को 9 बजे मिलेंगे, शाबाश। डी इज ए कॉरस्पॉन्डिंग, तो ए इज इक्वल टू डी, बिल्कुल सही। और एफ किसके इक्वल है, एफ इज इक्वल टू सी। जी यहां पर एक दूसरे का हालचाल मत पूछो दोस्तों। हेलो सानिया जी, जो लोग लेट आए हैं वो इस वीडियो को जैसे ही अपलोड होगा उसको आप देख लीजिएगा, और मेरे ख्याल से सेशन को ख़त्म करने की बारी अब आ चुकी है। लगभग 1 घंटा हो चुका है और मैं 2 मिनट लेट आया था, इसलिए यस जी। एक क्वेश्चन है मेरे पास, मेरे पास एक क्वेश्चन है, ए बी सी डी पैरेललोग्राम है और ए जो है वो लाइन सेगमेंट बी डी को डिवाइड कर रहा है ए ई इन अ रेशियो ऑफ 1:2। आपको बी ई दिया हुआ है 1.5, आपको बी सी निकालना है। जी इस क्वेश्चन में मुझे फिर गड़बड़ लग रही है इस क्वेश्चन के अंदर। ये मुझे एक किसी ने भेजे हैं क्वेश्चन, जी एक क्वेश्चन में गड़बड़ है, इसको छोड़ देते हैं क्वेश्चन को। जी ओके चलिए, बहुत सही। आपस में बातें मत करिए, अच्छे से पढ़ाई करिए, एक दूसरे को कुछ मत बोलिए। एबीडी का जो यूट्यूब चैनल है वो बहुत ही अच्छा चैनल है। मैं समझ गया दोस्तों, उसमें कुछ गड़बड़ थी इसे मैंने हटा दिया, वो वर्डिंग्स की प्रॉब्लम आ रही थी। जी मैं एक आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ, चलते थे लास्ट क्वेश्चन है आज का, और वो हम ले रहे हैं आपका ट्रिग्नोमेट्री से क्वेश्चन ले रहे हैं। इफ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज रूट टू कॉस थीटा, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री करना बहुत जरूरी है। जी अरे कैसा कैसे शब्द यूज कर रहे हैं, कैसे कैसे शब्द यूज कर रहे हैं, पता नहीं कैसे। यदि आपके पेरेंट्स इसको देखेंगे तो कितना अच्छा महसूस करेंगे, पता नहीं कैसे। खैर फाइंड टैन थीटा। जी इस तरह की ऑडियंस एवीडी के चैनल पे ना ही आए तो अच्छा है। बहुत अच्छा बताया गर्व, थैंक यू वेरी मच। ये आज का लास्ट क्वेश्चन है और जय लामा ने बताया ये आंसर। यस आई इग्नोर, मैं तुम लोगों के साथ हूँ। बहुत सही है, क्या लैंग्वेज है, कूल बहुत सही। चलिए रूट टू माइनस वन, और थैंक यू वेरी मच। इतने प्यारे प्यारे बच्चे मेरे साथ हैं तो क्या फर्क पड़ता है मुझे ऐसी लैंग्वेज का। लैंग्वेज को इग्नोर इसलिए करना चाहिए क्योंकि लैंग्वेज समझ ही नहीं आती क्या है। जी कोई दिक्कत नहीं, इसके बारे में मेरे पास शब्द नहीं है, हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन के बारे में। बिल्कुल सही आंसर बता रहे हैं बच्चे, आंसर है रूट टू माइनस वन। क्या सैटरडे को 7 बजे आप मुझे मिलेंगे, ये बताइए आप। जी क्या सैटरडे को 7 बजे आप मुझे मिलेंगे, बिल्कुल सही। जी एक्सेलेंट, बहुत सही है, एक्सेलेंट। सैटरडे को 7, अरे 7 PM है जैन साहब, अरे जैन साहब आप ना, जैन साहब सुबह मिलेंगे एवीटी में, शाम को मिलेंगे यहां पर। जी बहुत सही है, इतने प्यारे प्यारे मेरे बच्चे हैं। अच्छा एक वीडियो और है जी, ऊपर से हेल्पफुल लिख रहे हैं, ऊपर से क्या कर रहे हैं, आई बिकम एंटरप्रेन्योर, आई गिफ्ट यू प्राइवेट जेट। अरे यार तू प्राइवेट जेट खुद रखियो, बस मुझे ऊपर से हेलो कर दियो, मैं देख लूँगा मेरा प्यारा बच्चा जा रहा है ऊपर से, शाबाश। कहता है कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती और यूं ही किसी की जय जयकार नहीं होती। इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, हमारे चैनल पर है, ज़रूर देखिएगा उस वीडियो को। और एक वीडियो देखिएगा रिजल्ट द स्वैगनी, जब रिजल्ट आता है दोस्तों तो सबसे ज़्यादा खुशी होती है माँ बाप को। तो अपने पेरेंट्स के साथ हमेशा रहिए, ये मेरा आज का मैसेज है, और इस मैसेज के साथ मैं चल रहा हूँ। पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए, लेकिन आपको दिखाना चाहता हूँ आज का ये वीडियो, हाउ टू अटेम्प्ट दिस, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये बच्ची कह रही है आपने बिल्कुल सही बताया कि माँ बाप का साथ बिल्कुल मत छोड़िएगा, इसी मैसेज को ध्यान रखिएगा।
और यस थम्स अप, एंड मिलते हैं आपसे सैटरडे को शाम को 7 बजे. बाय बाय. एक स्क्रीनशॉट लेता हूं अपना ही यहां से. जी एक्सेलेंट. चलिए फिर मुलाकात करेंगे दोस्तों, आपसे मुलाकात करेंगे. थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग एवीडी लाइव सेशन.